हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। सुबह के नाश्ते में अगर आप कुछ यूनिक सा बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे आलू लेंगे। आलू आप जो भी लें बहुत छोटे साइज का लें, और इन्हें छील कर अच्छे से धुल लिया है। अब इनके हम स्लाइसेस काटेंगे। इन्हें ना हमें बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम का ही इन्हें काटेंगे हम। कुछ इस तरह से दोनों आलू को काट कर तैयार कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हम काट लेंगे और धुलकर इन्हें अच्छे पानी से साफ कर लेंगे। तो चलिए एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिक्सिंग बाउल और ये गेहूं का आटा जो कि आधा कप है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम सूजी ऐड करेंगे। आप सूजी की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी से बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता बनेगा और बेसन से सौंधा बनाएगा। और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सूखे पे। अभी हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। गेहूं के आटे से बना हुआ ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा नाश्ता है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा पानी और ऐड किया है। बस इससे ज़्यादा हम पतला बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे धनिया की पत्ती और ये कटी हुई हरी मिर्ची है, 2 हरी मिर्ची मैंने काट लिया है, और ये कुछ करी पत्ती है। आप इसमें से कोई चीज़ ना पसंद करें तो स्किप भी कर सकते हैं। और सबको मिला देंगे। तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये हमने लिया पैन और यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1/4 चम्मच तेल है, और तेल को हम अच्छे से पूरे पैन में फैला देंगे। अब यहाँ पे जो हमने आलू के स्लाइसेस काटे थे एक साइड से हम पूरा लगा देंगे पूरे पैन पे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देते हुए। आप इस तरह से बच्चों को बना के दीजिए, उन्हें तो मज़े ही आ जाएगा और पूरा लंच बॉक्स अपना वो फिनिश करके आएंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा सिर्फ 1 चम्मच है बड़े चम्मच से, और इस तरह से पूरे पैन पे हम कवर कर देंगे आलू को। देख सकते हैं आप बड़ा चम्मच, और इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये आप देखिए 1 मिनट के बाद, ये गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैंने इसको 1 मिनट के लिए ढका था, और ये नीचे से बढ़िया सा सिक गया है। और इस तरह से हम पलट लेंगे। ये देखिए, और फिर से हम 1/2 मिनट के लिए इसको ढकेंगे। दूसरी साइड पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो आप देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना है। इस तरह से हम पूरे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक सा नाश्ते की रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।